ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ आपको बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है गाइस वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आप लोगों के लिए मैं गाइस एक चीज कहना चाहता हूं कि गाइस मतलब ये जो वीडियो है ना गाइस आप लोगों को अगर ऐसी सेम फोटो एडिट करना है तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है बिल्कुल कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिससे कि गाइस आप जब एडिटिंग करने जाओगे तो आपको गाइस मतलब कि कोई भी हार्ड वर्क नहीं लगेगा इसमें, कि मतलब कि फोटो यार काफी हार्ड होगी एडिट करने में। बट गाइस मैं आप सभी को बता रहा हूं गाइस आप लोग इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लो, देन आप एडिट करने जाओगे तो गाइस आप लोगों को जो है ये फोटो एडिटिंग बहुत ही ईजी लगेगी, इस चीज की गाइस मैं गारंटी दे सकता हूं आप सभी को। बस गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो गाइस आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे को इजीली मतलब वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो गाइस, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी गाइस आप लोग आना वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, एंड अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपको इस फोटो को एडिट करने के लिए पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। अब गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। तो जो गाइस मॉडल है मैंने उसका बैकग्राउंड पहले से इरेज करा है, ताकि जो है मतलब कि गाइस आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, अगर वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पहले से इरेज करा था। एंड जिनको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी उन भाइयों को, तो वो भाई वीडियो को जाकर देख लेना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कुछ पार्ट है जो मेरा मतलब कि मॉडल को इरेज करते वक्त रह गया था, एंड इसमें गाइस कुछ ना मतलब कि नीचे से शूज़ वगैरह हैं जो वो भी इरेज हो गए, क्योंकि गाइस मॉडल जो था ना हमारा उसके वो थोड़ा ग्रास के ऊपर थी फोटो, तो यार मेरे को ना इस टाइप का मॉडल जो है मतलब मिल नहीं रहा था, तो मैंने यार इसका जो मतलब जैसे तैसे एडजस्ट करके मैंने यहाँ पे मेरी मॉडल ऐड किया, तो यार थोड़ा सा जो मतलब कि एक्स्ट्रा इरेज हो गया ना इसमें ग्रास व्रास, उसके वजह से यार मतलब थोड़ी फोटो जो है नीचे से इरेज हो गई है, तो यार उसको इग्नोर करना, ठीक है यार उसको मतलब यार मतलब ये मत सोचना कि भाई ने कैसे इरेज कराया यार, है ना। तो यार मतलब कभी कभार हो जाता है ग्रास व्रास की वजह से, तो इरेज करना पड़ जाता है इस तरीके से। तो बाकी का जो हमारा मेन मोटिव है वो आपको बताना है कि मतलब कि आपको कैसे एडिट करना है फोटो, ठीक है। तो बाकी तो यार मतलब मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा, तो बाकी अभी इग्नोर करना है जो मतलब यहाँ पे जो इरेज हो गया ये। तो अभी गाइस देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे जो है मतलब आपको अब यहाँ पे शेडो भी बनानी है, ठीक है। तो शेडो बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अभी अभी डन नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपली ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद मतलब पहले जहाँ से ऐड फोटो में चलते हैं, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है, साइज़ वाइज आप देख लेना अपने मॉडल का। तो अब यहाँ पे अगर शेडो बनानी है तो उसके लिए चलते हैं हम ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपके पिक्सआर्ट में आपको बैकग्राउंड का, ठीक है। ना मिले तो गाइस आप जो ऐसे ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है वो डाउनलोड कर लेना, आपको सिंपली यहाँ पे कहीं भी मिल जाएगा ये। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली इसका फुल स्क्रीन करना है, एंड नीचे की तरफ आपको रख देना है, रिजल्ट रूम में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज इंक्रीज करना है, एंड फोटो को जूम करना है, एंड जूम करने के बाद जो है आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल कैसे ड्रॉ करना है मतलब गाइस इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, एंड उसको डन करना है। एंड उसके बाद जो आपको रिजल्ट रूम के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसे मूव डाउन करना है, एंड उसके बाद जो उसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे इसको कम कर देना है कुछ इतना, ठीक है। एंड कोशिश करना कि यार ज़्यादा कम से कम ही रखो, ठीक है, ज़्यादा रखोगे तो यार डार्क हो जाएगा, और डार्क हो जाएगा तो यार अपना फेक लगेगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से शेडो बनानी है, एंड उसके बाद कर देना है डार्क, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो है मतलब आपको एक विग्नेट का पीएनजी ऐड करना है, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा मतलब फोटो में एक अच्छा सा लुक दिखाएगा। तो देखो गाइस जैसे हम इसको ऐड करते हैं, एंड ऐड करने के बाद जो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको फुल स्क्रीन करना है, एंड गाइस देख सकते हैं हमारा मतलब कितना अच्छा लुक आ रहा है फोटो में इसकी वजह से, है ना। तो अभी हम इसको डन करते हैं। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस दिखे, अब यहाँ पे इतना काम आपका हो गया, तो अभी जो है गाइस हम इसको सेव करेंगे यहाँ पे, एंड सेव करके इसको लेके चलेंगे हम लाइट रूम ऐप में, क्योंकि सर बिना रिटच का तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी एकदम बद्दी लगेगी, ठीक है। तो अभी हम इसको लाइट रूम ऐप में ओपन कर लेते हैं। लाइट रूम ऐप में ओपन करने के बाद जो गाइस लाइट वाला ऑप्शन आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है आपको इसको माइनस करना है, जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे हल्का सा आपको प्लस करना है, जो शेडो है इसको यहाँ पे हल्का सा बढ़ा देना है। उसके बाद मिलेगा आपको वाइट, इसको आपको इसको कम कर देना है, जो ब्लैक है इसको यहाँ पे जो इसको थोड़ा कम कर देना है। फिर आपको जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो में जो टेम्परेचर दिख रहा है आपको उसको कम करना है। फिर इसके बाद आपको जाना है कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस करना है, लूमिनस आपको बढ़ा देना है, एंड इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ये येलो कलर, ठीक है, इसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन जो है इसको भी कम कर देना है। फिर इसका तो जाना इतना हो जाने के बाद आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको जो है इसका ह्यू है जो मतलब आपको इसको बढ़ा देना है हल्का सा, एंड जो है सैचुरेशन में बढ़ा देना ताकि फोटो में जो है ब्लू टोन बनी रहे। फिर इसके बाद आपको कर देना डन। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की क्लैरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट दिख रहा है आपको वो डाल देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको ग्रेन अमाउंट, आपको इसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे वाले टूल में जाओगे
यहाँ पे आपको मिलेगा शार्पनेस, आपको उसको इंक्रीज करना है। फोटो में जो नोटिफिकेशन आपको उसको बढ़ा देना है, इसके नीचे जो कलर नोटिफिकेशन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट राइट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं और आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।